गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हमारे पोल्ट्री बर्ड्स का लगभग 34 डेज हो गया है और मैंने वेट तो आप लोगों को बताया था 33 डेज में 1700-1750 ग्राम का है। और बर्ड्स में आज हुआ क्या एक्चुअली कि मोर्टिलिटी आज दिखना शुरू हो गया, आज मोर्टिलिटी हो गया है। लगभग इस शेड में 4 पीस हुआ है, उस शेड में बीच वाले शेड में 2 पीस और लास्ट वाले शेड में ज्यादा मोर्टिलिटी हुई है। सुबह में एक्चुअली धूप इस साइड से आता है तो मैंने बीच में ऊपर में पर्दा डाल के रखा हुआ था, आज एक्चुअली पर्दा मैंने नीचे कर दिया क्योंकि सुपरवाइजर आए थे, उनका कहना था कि गैस फॉर्म होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि बर्ड्स बड़े हो गए हैं। फिर मुझे भी लगा कि शायद प्रॉब्लम होगा, लेकिन रात में ठंड बहुत ज्यादा हो रहा है और दिन में गर्मी बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत टफ हो जा रहा है। मैंने फैन सामने वाला लगाया है तो उसे मैंने टाइमर पे लगाया था लेकिन टाइमर खराब हो गया तो उसको फिर मैन्युअली चला रहा हूं और ओपन शेड में उस फैन को चला के कोई फायदा है नहीं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ओपन शेड में वो फैन चला के उसका रिजल्ट आउटपुट ले लूं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि वो जो हवा है वहीं पर के हवा को खींच करके वो बाहर कर देता है। अगर आप पर्दा पूरा पैक करेंगे तो एंड से वहां तक हवा जाएगा, स्टार्टिंग से एंड तक, तो इसलिए उसका यूज प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। इस बैच के बाद ही यूज कर पाऊंगा। एक्चुअली पैनल भी हमारे आए नहीं है, पैनल ट्रायल करना है तो पैनल पे ही मैं ट्रायल करूंगा। तो फैन तो मैंने फिक्स करके वैसे ही छोड़ा हुआ है और देख सकते हैं कंपनी वाले को मैंने कहा था लिफ्टिंग के लिए भी, लेकिन वो लोग लिफ्टिंग के लिए अभी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि 38 डेज से पहले लिफ्टिंग नहीं हो पाएगा और उन्होंने आज फीड भी भेज दिया मेरे पास। एक दिन के फीड पड़े हुए थे, अभी 2 रोज का फीड उन्होंने और मुझे भेज दिया है। तो इसका मतलब है कि वो 38 डेज से पहले या 40 डेज से पहले नहीं उठाएंगे और आज तो चल रहा है 34 डेज मेरा, तो उससे पहले कोई सवाल नहीं है। सुगना वैसे भी 40 दिन में ही लिफ्टिंग करवाता है और मार्केट का पोजीशन भी खराब है, कल लास्ट छठ पूजा है तो छठ खत्म हो जाए तो शायद उसके बाद मार्केट का रेट भी ऊपर उठ जाए तो वो लोग लिफ्टिंग करवाएंगे। मार्केट का पोजीशन बहुत ही खराब है, सिर्फ झारखंड में नहीं ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया में सारे फार्मर परेशान हैं। तो देखता हूँ कैसे क्या होता, हालांकि कुछ कुछ जो बर्ड्स हैं मेरे वो 2 kg प्लस हैं, आप देख सकते हैं ये सब जो है मुर्गा मेरा सब 2 kg प्लस है, ये देखिए यहाँ पे है। तो बहुत सारे बर्ड्स ऐसे मेरे तीनों शेड में हैं, उस शेड में भी और उसके बाद वाले शेड में भी, तीनों शेड में मेरे वैसे बहुत सारे मुर्गे हैं जो 2 kg प्लस हैं अभी से, तो वो जो है 40 दिन में आराम से 2500 प्लस हो जाएंगे। तो इस बार तो ठीक ही ठाक है लेकिन मोर्टिलिटी हो जा रहा बीच बीच में कुछ ना कुछ। इसमें सनब्रो ब्रीड है तो सनब्रो ब्रीड में मेंटेन करना थोड़ा सा टफ होता है शुरू से। और ये देखिए ये भी बर्ड्स काफी ठीक ठाक है और सबके पैर मोटे मोटे हो गए हैं और तो पैर से ही पता चल जाता है कि उनका वेट क्या होगा। इसमें भी देखिए, मैं उस शेड में भी आपको दिखा देता हूं, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी सारे बर्ड्स सारे, इसमें बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो 2 kg के प्लस हैं। तो इसी तरह से है और मौसम ठीक है तो इसलिए फीड इनटेक ठीक है। हालांकि सनब्रो का ये ब्रीड जो येलो पैर है, जनरली सनब्रो में आपका व्हाइट पैर आता था लेकिन ये येलो है, तो येलो वाले में क्या है ना कि ये फीड इनटेक थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो आपके सीआर को भी शायद ये खराब कर दें। और तो इसीलिए थोड़ा सा देख दाख करके चलाना पड़ता है। हालांकि बर्ड्स ठीक है, बर्ड्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रोथ में या फिर और भी किसी तरीके से,
हाँ, लीवर टॉनिक मैं डर से नहीं चला रहा हूँ क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि लीवर टॉनिक के चक्कर में सर्दी पकड़ ले और फिर लिफ्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए मैं लीवर टॉनिक नहीं चला रहा हूँ। हालांकि लीवर का कुछ प्रॉब्लम है और फीड में मिला करके एक दिन चलाया था, लेकिन फीड में मिक्सिंग करना बहुत टफ है क्योंकि एक शेड है नहीं कि आप फीड में मिक्सिंग करके चला देंगे, तीन शेड में फीड मिक्सिंग करके चलाना बहुत ही टफ हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं चला पा रहा हूँ फीड में मिक्सिंग करके। देखता हूँ वैसी अब तीन चार रोज के बाद बचे हुए हैं, तीन चार रोज में करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए देखता हूँ। वैसी मोर्टिलिटी रेशियो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, अभी तक मेरा 4.23% था मोर्टिलिटी, लेकिन डेली अभी 10 के अंदर ही मोर्टिलिटी हो रहा है, और दिन में ही होता है, दिन में दोपहर में 2 बजे के बाद ही मोर्टिलिटी मुझे निकलता है इसमें। अभी जैसे मैं शाम में एक बार रेकिंग कर रहा हूँ, रेकिंग करने के बाद मुझे मॉर्निंग में दाना पानी करने के बाद मॉर्निंग में एक बार सुबह में जब रेकिंग करता हूँ तो 3-4 पीस मिलते हैं तीनों शेड में मिला के, लेकिन 2 बजे के बाद मोर्टिलिटी मेरा थोड़ा सा हो जाता है। तो खैर वैसे आज मैंने पीएम किया नहीं है, कल मॉर्निंग में पोस्टमार्टम करूंगा तो देखूंगा कि लीवर का क्या पोजीशन है। एक दिन मैं वैसे मैंने फीड में ब्रूटोन मिला के सबों को खिलाया है, तो इसी तरह से दोस्तों मैनेजमेंट चल रहा है और ठीक ठाक ही है, कहीं उतना खास रिजल्ट गड़बड़ नहीं है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, मोर्टिलिटी जो 5% गया है वो मैं 3% के आसपास रखना चाह रहा था, लेकिन वो लास्ट टाइम में आपका थोड़ा सा हो गया, तो खैर होता है, इसमें कच्चा धंधा है, कच्चे धंधे में आपको कोई सर्टेन है नहीं कि क्या होगा नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। उस फार्म में मेरा फीड लग रहा है, उसके बाद लास्ट वाले फार्म में फीड लगना है, तो थोड़ा सा फीड लगा लूँ। वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ, फिर कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।